नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है घर के छोटे बच्चे जो प्रॉपरली खाना नहीं खाते और मम्मियाँ उनके आगे पीछे दौड़ती रहती हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए, और नतीजा क्या होता है, बच्चा प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता, उससे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे बच्चा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिससे कि वो बार बार बीमार पड़ने लगता है। अब जब बार बार बीमार पड़ने लगता है तो ये न्यूट्रिशन जो होता है वो उस बीमारी की रिकवरी के लिए यूज हो जाता है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर ये पड़ता है कि बच्चे की बॉडी और वेट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते, इसके पीछे कारण क्या है, क्या उनका डाइजेशन गड़बड़ है या एब्जॉर्प्शन में कुछ गड़बड़ है खाने के, इसलिए वो कमजोर रह जाते हैं, और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी हाइट लगभग 2 इंच हर साल बढ़ती है और लगभग वजन भी 1.5 से 2 किलो हर साल बढ़ता है 12 साल की उम्र तक, जब तक कि बच्चा प्यूबर्टी को हिट ना कर जाए, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद बच्चों के ग्रोथ फैक्टर्स थोड़े चेंज होते रहते हैं और इसमें जेनेटिक फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी कहूंगी, खाना प्रॉपर नहीं खाना, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेने के कारण हाइट और वेट और ग्रोथ में बहुत ज्यादा असर पड़ता है दोस्तों। बच्चों की भूख ना लगने की प्रॉब्लम को यहाँ हम 3 हिस्सों में बांट कर समझते हैं। नंबर 1 कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो खाना कम ही खाते हैं, उनकी पसंद या नापसंद से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो खाना कम ही खाते हैं। नंबर 2 कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो चूजी होते हैं, वो अपनी पसंद का खाना ही खाना चाहते हैं, यदि मदर कोई न्यूट्रिशियस खाना देती भी है तो वो नहीं खाते हैं। नंबर 3 कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जो खाना तो प्रॉपर खाते हैं कि बार बार खाते हैं, उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है, लेकिन उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए उनको भी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको भूखी नहीं लगती है। उसके पीछे 4 मेन रीजन हो सकते हैं, या तो बच्चे में आयरन की कमी है, या बच्चों को दांत आने के पीरियड के टाइम पे भी भूख नहीं लगती है, और नंबर 3 हो सकता है कि उसको टॉन्सिल्स या मम्स की शिकायत हो इसलिए उसको भूख नहीं लगती है, और नंबर 4 रीजन ये हो सकता है कि बच्चों का डाइजेशन खराब होने के कारण भी उनको भूख नहीं लगती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के बच्चों के बारे में। ये बच्चों को हैंडल करना सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये खाने में बहुत चूजी होते हैं, और ये मुझे लगता है कि ये आदत डेवलप करने के ऊपर होता है। बच्चे अपने बड़ों से ये आदत डेवलप करते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और बच्चों को हर चीज खाने की आदत 1 साल की उम्र के पहले पड़ जाती है, बाद में उनकी आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है, और कोई बीमारी भी साथ में हो सकती है जिससे बच्चे कुछ पर्टिकुलर चीज ही खाना चाहते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण बच्चे अनडाइजेस्टेबल चीजें जो होती हैं वो खाना चाहते हैं। ऐसे ही नंबर 3 कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो उसमें बच्चे को भूख तो बहुत लगती है, वो खाना भी बहुत खाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि उसका कोई लीवर में कोई तकलीफ हो, तो पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि उसको भूख बहुत लग रही है लेकिन शरीर फिर भी कमजोर होता जा रहा है, या बच्चे को पेट में कीड़े हैं उसके कारण बच्चा खाना तो बहुत खाता है लेकिन शरीर को लगता नहीं है। अब आप इन 3 कैटेगरीज में से समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 मेडिसिन होती है एब्रोटिनम। एब्रोटिनम का बच्चा बहुत भूखा होता है, उसे भूख भी लगती है, वो खाना भी खाता है, उसके बावजूद भी वो कमजोर होता है, उसके पेट बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। इस बच्चे को मेनली डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और हमेशा इसको डायरिया होता रहता है। नंबर 2 जो मेडिसिन होती है इसमें आती है सिना। सिना को हम वॉर्म रेमेडी भी बोलते हैं, मतलब जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जब उसको अपनी बाथरूम लैट्रिन की जगह पे खुजली चल रही है, कान में खुजली चल रही है, नाक में उंगली डालता रहता है, रात में सोते वक्त वो दांत किटकिटाता है, तो ये सिना के बच्चे के मेन सिम्टम्स होते हैं। बच्चा किसी की गोदी में नहीं आना चाहता, वो बहुत इरिटेट रहता है और वो टच भी किसी को नहीं करवाना चाहता है।
अब नंबर 3 पर मेडिसिन आती है केमोमिला। यह मेडिसिन हम बच्चे को तब देते हैं जब दांत आने के कारण उसको जो तकलीफें होती हैं उस टाइम यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों बच्चा अपनी मम्मी के ही गोदी में रहना चाहता है और वो खाना तो अच्छा खाता है लेकिन वो उस खाने को रिगर्जिटेट कर देता है या उसको बहुत डकारे आती है और कभी कभी वो वोमिट भी कर देता है और उसका पेट बहुत फूला फूला लगता है। नंबर 4 पर मेडिसिन आती है आयोडम। इसमें बच्चे को भूख और प्यास तो अच्छी लगती है, वो खाना भी अच्छा खाता है लेकिन बच्चा बहुत सुस्त होता है, दुबला होता है, कमजोर होता है, उसको निमोनिया की हिस्ट्री मालूम पड़ती है और प्रेगनेंसी में कभी कभी उसकी मदर को ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री भी मिलती है। नंबर 5 पर मेडिसिन आती है केल्किरिया का। यह मेडिसिन हम बच्चे को तब देते हैं जब बच्चा बहुत फेयर फैटी होता है, फ्लैबी होता है लेकिन वो फिर भी कमजोर होता है, उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है इसलिए वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जैसे चॉक मिट्टी वगैरह खाता है, वो जल्दी हांफ जाता है, जल्दी थक जाता है और उसको कैचिंग कोल्ड मतलब सर्दी जल्दी लग हो जाती है, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है और एक चीज होती है उसको टॉन्सिल्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब लास्ट में मेडिसिन है अल्फा लफा। ये मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का डाइट एंड डाइजेशन इम्प्रूव करना होता है और यह मेडिसिन बच्चे के साथ साथ बड़ों पे भी अच्छा काम करती है। इसे होम्योपैथी में हम एपेटाइजर की तरह यूज़ करते हैं जब हमको पेशेंट का ओवरऑल ग्रोथ करनी होती है। अब हम बात करेंगे कुछ आदतों के बारे में जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको बदलना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 ये आता है कि आप बच्चों के लिए खाने का टाइम निश्चित कर दें और ये चीज़ बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रोज़ एक ही टाइम पर खाना खाने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और नंबर 2 बच्चे को उसी टाइम पर भूख लगना शुरू हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि बच्चे को बार बार खाना नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे का खाने के लिए इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और नंबर 3 बच्चे को बीच बीच में स्नैक्स या जंक फूड नहीं देना चाहिए, ये हाई कैलोरी फूड होते हैं जिससे बच्चे को भूख लगना धीरे धीरे कम होती जाती है। और नंबर 4 हम बड़ों को बच्चों के सामने थोड़े आइडियल बिहेव करना चाहिए, जैसे थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए, खाने को लेकर चूजी नहीं होना चाहिए और टाइमली खाना खाना चाहिए जिससे बच्चों में भी ये अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। और लास्ट एक बहुत जरूरी चीज़ होती है कि बच्चे को ब्रेकफास्ट की आदत डालना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, सुबह सुबह हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम करता है और खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए बच्चे को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत डालना चाहिए जिससे कि उसकी भूख बढ़े और उसका डाइजेशन अच्छा हो। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके बच्चे की भूख को समझने में आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो माय चैनल। थैंक यू।